हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है एक्सक्रीटी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ये हमारी नीट की प्रिपरेशन की सबसे पहला चैप्टर मैंने इस ईयर में शुरू किया है। इसका हम क्या कर रहे हैं इस बार कि हर एक चैप्टर का जो भी एक एक लाइन हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर साइड जो बना हुआ है वहाँ पर लिख ली है ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो। और दूसरी चीज़, हम लोग चैप्टर वाइज नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में ही लगाते जाएंगे। एक पेज कंप्लीट करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। इसमें ये लिखा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आयंस, जैसे कि आपका Na+, K+, क्लोराइड एंड फॉस्फेट एंड सल्फेट, ये जितने के जितने आयंस हैं और जितना भी आपका ये नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है? ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से प्रोड्यूस हुआ है। हमारी बॉडी में वेरियस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती रहती हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस, तो उनके उनसे जो है ये आपका निकल रहा है। जैसे कि प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है तो अमीनो एसिड ब्रेक डाउन होकर आपका ये सारी चीजें बना रहा है, ठीक है। जैसे गुआनाइन जो है आपका यूरिक एसिड बनाता है, तो इस तरीके से आपका जो न्यूक्लिक एसिड है वो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, एक्टिविटीज के थ्रू ये सारे निकल रहे हैं। और या तो फिर आप ज्यादा खा रहे हैं, एक्सेस इंजेक्शन, यानी ये दो तरीके से ये सारी चीजें वेस्ट हमारी बॉडी में निकल रहे हैं। इनमें से कुछ जो है वो पॉइजनस है और उन्हें बॉडी से टोटली रिमूव किया जाता है या पार्शली रिमूव किया जाता है। तो एनिमल एक्यूमुलेट्स अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आयंस लाइक दिस, आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेक्शन। तो ये सब्सटेंसेस को हमें बॉडी इसे रिमूव करती है। तो इस चैप्टर में हम मेनली किससे, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट से कंसर्न है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। और इनमें से अमोनिया जो है सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, उससे कम टॉक्सिक यूरिया है और सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड है। अमोनिया वाटर में रेडुली सोल्यूबल है, इसलिए बहुत सारे वाटर की मदद से इसको तुरंत बॉडी से जैसे ही बनता है रिमूव कर दिया जाता है या इसकी फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है। तो अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, मोस्ट टॉक्सिक फ्रॉम एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, वेयर इज यूरिक एसिड बीइंग लेस टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ देख लिया है। तो अब हम देखते हैं, तो हम इसका शॉर्ट नोट देख लेते हैं जो मैंने बनाया है साइड में। तो मेटाबॉलिक वेस्ट और एक्सेस इंजेक्शन की मदद से एनिमल जो है एक्यूमुलेट करता है मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अदर वेस्ट मैंने यहाँ लिख दिए, CO2, H2O आयंस जितने सारे हैं, इनमें से अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक है, इसको सबसे ज्यादा वाटर चाहिए फॉर रिमूवल। देन आपका यूरिया है, देन यूरिक एसिड जो कि लीस्ट टॉक्सिक है और इसे कम वाटर चाहिए फॉर इट्स रिमूवल। तो मैंने इतने पूरे पैराग्राफ को इतने छोटे से फॉर्म में लिख लिया है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। इसमें देखिए क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म एंड मैनी बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक इन नेचर। यानी जो प्रोसेस है जिसमें कि अमोनिया एक्सक्रीट किया जाता है उस प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म बोलते हैं, जिस प्रोसेस में यूरिया एक्सक्रीट किया जाता है उसे यूरियोटेलिज्म बोलते हैं, और जिस प्रोसेस में यूरिक एसिड एक्सक्रीट किया जाता है उसे यूरिकोटेलिक बोलते हैं। तो यानी कि अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म प्रोसेसेस का नाम है, जबकि जो एनिमल्स हैं जिनमें अमोनोटेलिज्म होता है उन्हें अमोनोटेलिक बोलते हैं। इसी तरीके से जिनमें यूरियोटेलिज्म होता है उन्हें यूरियोटेलिक बोलते हैं, जिनमें यूरिकोटेलिज्म होता है उन्हें यूरिकोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स बोलते हैं। तो ये मैं आपको समझ में आ गया, ये जो ये एग्जाम्पल्स हैं इनके, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन्हें मैंने हाईलाइट्स भी किया हुआ है और आपको मैं इधर भी बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से लिखा है, और इसके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके जस्ट बाद आपको होंगे कि किस तरीके से उन्होंने इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो चलिए इसको करते हैं कि बहुत सारी बोनी फिशेज हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं और एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं जो कि अमोनोटेलिक इन नेचर हैं। अमोनिया इसमें क्योंकि रेडिली सोल्यूबल हो जाती है तो ये डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सर्फेस से या गिल सर्फेस से, जैसा कि फिशेज में है, अमोनियम आयन के रूप में निकल आती है, ठीक है। तो याद रखेंगे किस फॉर्म में निकलती है, अमोनियम आयन के रूप में। तो किडनीज इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती क्योंकि ये गिल सर्फेस से या बॉडी सर्फेस से निकलता है। इसी तरीके से क्योंकि अब धीमे धीमे ऑर्गेनिज्म क्या है, टेस्टियल की तरफ आ रहे थे, यानी कि इवोल्यूशन हो रहा था, तो जब टेस्टियल एडेप्टेशन में आए तो इनकी नेसेसिटी बन गई कि कुछ लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस किए जाएं ताकि उसे थोड़ी देर बॉडी में रिटेन कर रखा जाए, वो इतने ज्यादा टॉक्सिक ना हो और इतना ज्यादा पानी भी ना लगे उन्हें रिमूव करने के लिए। तो क्या हुआ, यूरिया और यूरिक एसिड बनाया गया, और ये थोड़ा बहुत ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पानी को कंजर्व करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जब ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक से टेस्टियल हुए तो यहां पर आप
आपका यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म भी आए। तो मैमल्स जो कि हम लोग हैं वो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मैनी टेस्टल एम्फीबियंस हैं, मरीन फिशेज हैं, जैसे कि आपकी कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, वो सारी की सारी यूरिया मेनली एक्सक्रीट करती हैं। ऐसा नहीं अमोनिया नहीं एक्सक्रीट होता है, हम लोगों में एक्चुअली अमोनिया ही एक्सक्रीट होता है, लेकिन हमारा जो लीवर है इसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया के फॉर्म में, ताकि थोड़ी देर बॉडी को में रखा जा सके और बॉडी इससे इसकी ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करने के लिए है। जैसे कि अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर, इसे ऑर्निथाइन साइकिल भी बोलते हैं ऑफ दीज एनिमल, एंड रिलीज इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनीज। यानी कि यूरिया जो है, अमोनिया क्या बना, यूरिया बना, कहाँ पर बना, लीवर में बना, और इसको ब्लड में रिलीज कर दिया गया, और फिर फिल्टर किसने किया, इसे किडनी ने किया। तो सम अमाउंट ऑफ यूरिया किडनी के मैट्रिक्स में रह गया, जिसे कि आपका मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये रह गया किडनी के, ताकि ये बॉडी को जो यूरिन है उसे हैपाटोनिक करने में मदद करता है। अभी आगे आप काउंटर करंट मैकेनिज्म में देखेंगे। तो सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ द एनिमल्स टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। इसी तरीके से यूरिकोटेलिक एनिमल्स भी हो गए, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स, ये चार आप लर्न करेंगे। ये नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड के फॉर्म में करते हैं, और ये पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में करते हैं, यानी ड्राई थोड़ा सा रहता है विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, एंड आर कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक एनिमल्स। तो यहाँ पर देखिए अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, आपके बोनी फिशेज हैं जिन्हें टीलोस्ट की कैटेगरी में है, इन किस क्लास के हैं, ऑस्ट्रेथिस जो हैं उनकी क्लास की हैं बोनी फिशेज, टेडपोल और फ्रॉग इसी में आता है, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये पानी में ही रहता है। ये दोनों क्या है, बोनी फिशेज एंड टेडपोल क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं, जबकि एक्वेटिक इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी ऑर्थोपोडा, यानी जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको ड्रैगन फ्लाई का, जो निम्फ होता है वो एक्वेटिक इंसेक्ट की कैटेगरी में आता है। नाउ कम टू अमोनिया, इसे बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेंगे, अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक रेडिली सोल्यूबल होता है, सो एक्सेस वाटर चाहिए इसको रिमूवल के लिए, एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन से होता है, बॉडी सरफेस हो या गिल सरफेस हो अगर फिश है तो, और किस फॉर्म में होता है, अमोनियम आयन के फॉर्म में होता है। किडनी का इनमें कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है, अमोनोटेरिक ऑर्गेनिज्म है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि जब अमोनिया बनता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में, लीवर में कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि इन लीवर जो क्या चलती है आपकी, उसकी हिपेटोसाइट सेल्स में ऑर्निथाइन साइकिल चलती है, जिसे यूरिया साइकिल भी, क्योंकि इसमें ऑर्निथाइन बनता है सबसे पहले, इसलिए इसका नाम है ऑर्निथाइन साइकिल और यूरिया साइकिल, क्योंकि यूरिया बनता है। किस साइंटिस्ट ने किया था, क्रब हेंसलेट ने किया था, इसलिए इनके तीन नाम है। लीवर में क्या होता है, जो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है जो यूरिया सिक्रेट करते हैं, उनमें पहले बनता अमोनिया ही है, लीवर उसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। देखिए यहाँ पर अमोनिया बना CO2 की मदद से, ये दोनों ऐड हुए, 3 ATP के यहाँ पर यूज होंगे, और क्या बन जाएगा, यूरिया, और वाटर रिलीज होगा। तो लीवर ने क्या बनाया, यूरिया बनाया, ठीक है। तो कौन लेकर आएगा उसे बाहर, हिपेटिक वेन लेकर आएगी, तो उसमें क्या हुआ, मैक्सिमम यूरिया, क्योंकि अभी अभी लीवर में बना है। फिर कहाँ जाएगा ये, इन्फीरियर वेना कावा में जाएगा, फिर राइट ऑरिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर उसके बाद लंग्स में जाएगा, प्यूरीफाई होगा, प्यूरीफाई इन द सेंस ऑक्सीजन जो है वो वहां पर आएगी, ऑक्सीजनेटेड होगा, यूरिया से कोई मतलब नहीं है। देन लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ओरोटा में जाएगा, डोर्सल ओरोटा में जाएगा, और कहाँ जाएगा, रीनल आर्टरी में जाएगा, क्योंकि बनाता लीवर है, रिमूव इसको कौन करता है, किडनी, 50% किडनी अपने पास रिटेन रख लेता है, ताकि उसका मैट्रिक का ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे और यूरिन को काउंटर करंट मैकेनिज्म में हाइपरटोनिक बनाने में आसानी हो, इसलिए किडनी उसको 50% यूरिया को रख लेता है और 50% रीनल वेन के थ्रू इन्फीरियर वेना कावा में भेज देता है। यानी कि आपका जो रीनल वेन में है वो मिनिमम यूरिया है, ठीक है, और आपके जो ये आपका हिपेटिक वेन है यहाँ पर आपका मैक्सिमम यूरिया है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स। तो ये जो यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं ये आपके क्या है, फॉर टेस्टियल एडेप्टेशन ये नेसेसिटी हो गई है कि प्रोडक्शन ऑफ लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया और यूरिक एसिड वाले ऑर्गेनिज्म आए और ये कंजर्व कर सकते थे वाटर को, क्योंकि ये यूरिया जो है लेस टॉक्सिक है अमोनिया से, तो यूरिया को बॉडी में रिटेन किया जा सकता है, किडनी मैट्रिक्स इसको रिटेन करके रखता है मेडुलरी इंटरस्टीशियम में, ताकि काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू हाइपरटोनिक यूरिन बनाई जा सके जरूरत पड़ने पर, जब आप पानी कम पी रहे हैं, टू मेंटेन द डिजायर ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, मरीन फिशेज जैसे कार्टिलेजिनियस फिशेज जो है वो मरीन फिशेज होती हैं, टेस्टियल एम्फीबियंस हो गया फ्रॉग टोड, जबकि मैंने टैडपोल ऑफ लार्वा आपको बताया था कि वो क्या है, अमोनोटेलिक है, मैमल्स भी हम लोग भी यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं। इसी तरीके से यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरिकोटेलिक में बहुत कम अमाउंट में वाटर जो है रिमूव होता है, क्योंकि ये जो है ये सॉल्युबल नहीं होता है और ये बहुत लीस्ट टॉक्सिक है, तो बॉडी में काफी समय तक रिटेन किया जा सकता है। तो जैसे कि लैंड स्नेल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स को क्योंकि हवा में उड़ना है तो इनका क्या होना चाहिए, इनका जो वेट है वो कम होना चाहिए, तो अगर ये इतनी ज्यादा यूरिन वगैरह इनके ब्लैडर में रहेगा तो बहुत ज्यादा
वेट इनका बढ़ जाएगा, इसलिए इनको यूरिकोटेलिक होने की आवश्यकता है। तो नाइट्रोजनस बेस यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलते हैं, किस फॉर्म में, पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में। तो ये हमने सारा का सारा पूरा पेज कर लिया है अलॉन्ग विद द चिट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट 10 मिनट रिविजन के लिए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन, अभी अभी हमने पढ़ा है यूरिकोटेलिक मोड, ये सीबीएसई में आ चुका है ऑल इंडिया पीएमटी में 2011। तो इसमें क्या है यूरिकोटेलिक, अभी मैंने बताया बर्ड्स हैं और एनेलिड्स नहीं है, एम्फीबियंस रेप्टाइल, एम्फीबियन तो है ही नहीं दोनों में, एनेलिड्स भी नहीं है, पानी चाहिए इन्हें ज्यादा, तो क्या हो गया रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आपके हो गए, ठीक है। तो और इंसेक्ट हमने पढ़ा था, लैंड स्नेल पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरिक एसिड जो है इज द चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये 2009 में आया था, तो किसका है, आपका मैन हो गया, अर्थवर्म हो गया, कॉकरोच हो गया और फ्रॉग हो गया। तो इसमें आपका आंसर क्या बनेगा, जो कॉकरोच है वो आपका यूरिक एसिड मेनली रिलीज करता है, ठीक है। मैन तो आपका यूरियोटेलिक हो गया, अर्थवर्म जो है वो भी आपका यूरिया को रिलीज करता है, और जो फ्रॉग है वो भी यूरियोटेलिक है। तो ये हमने कर लिया। Now we will do this question. In ornithine cycle, which one pair of the following wastes are removed from the blood? तो blood से कौन कौन से waste जो हैं वो remove होते हैं ornithine cycle में, जैसे कि मैंने हम लोगों ने अभी किया था। Blood से क्या क्या mix होकर बनता है, CO2 and ammonia. CO2 और ammonia इनके क्या बना रहे थे, यूरिया एंड वाटर। तो क्या remove होगा, CO2 and ammonia. Next question है यूरिकोटेलिज्म is found in, इसमें किसमें हो रहा था, mammals में तो होगा नहीं, fishes में भी नहीं होगा, पानी ही इसमें चाहिए, यूरिको को क्या चाहिए, कम पानी चाहिए, तो कौन होंगे, birds, reptiles and इंसेक्ट्स, फ्रॉग एंड टोड्स क्या थे आपके, यूरियोटेरिज्म थे। अब इसी तरीके से ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, देखिए 2000 में इन लिविंग बींग्स अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया थ्रू सिट्रुलिन फ्यूमरिन आर्जिनिन, तो कौन सा है, ऑर्निथाइन साइकिल। अभी यूरिक एसिड इज नाइट्रोजन वेस्ट इन, इसमें किसमें, अभी हम लोगों ने पढ़ा था बर्ड्स एंड लिजर्ड्स में, बोनीफिशेस क्या थी, अमोनोटेलिज्म थी, कार्टिलेजिनस फिशेस मैंने बताया था आपको क्या थी, यूरियोटेलिज्म थी, मैमल्स भी आपके यूरियोटेलिज्म थे। तो मेनली हमारे कहाँ है यूरिक एसिड, मेनली कहाँ, फ्रॉग एंड ये बर्ड्स एंड लिजर्ड्स में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड मेनली एज, किसमें, यूरिया एंड टैडपोल एंड अमोनिया एंड एडल्ट फ्रॉग, नहीं, अमोनिया एंड टैडपोल, यूरिया एंड एडल्ट फ्रॉग, यही हमने पढ़ाया था, यूरिया बोथ नहीं गलत, यूरिया एंड टैडपोल यूरिक एसिड एंड नहीं, अमोनिया एंड टैडपोल एंड यूरिया एंड एडल्ट फ्रॉग। तो ये आपने देखे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस टाइप के हैं, ठीक है, तो इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट पेज करते हैं।